हरियाणा के पूर्व मंत्री और सांसद एवं मेवात की जानी मानी हस्ती चौधरी खुर्शीद अहमद ने रविवार को देर रात फरीदाबाद के एशियन अस्पताल में इलाज के दौरान दुनिया से अलविदा कह दिया, जिसे सोमवार को नूह में उसके निवास स्थान पर सुपुर्द ए खाक किया गया, जिसमें गुलाम नबी आजाद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, करण दयाल राव, कमलवीर सहित मेवात के सभी नेता काफी संख्या में वे कई हजारों की संख्या में मेवात के लोग पहुंचे। आपको बता दें कि पूर्व सांसद चौधरी खुर्शीद अहमद का जन्म 20 जून 1934 में मेवात के छोटे से गांव धुलावट में एक किसान के घर पर हुआ था, जिसे बचपन से ही राजनीति में शौक था। लगभग 86 वर्ष के बाद वह दुनिया से अलविदा कह गए। पूर्व सांसद खुर्शीद अहमद ने 1961 में फिरदौस बेगम से शादी की थी, जिससे उनके 3 बेटे व 1 बेटी पैदा हुई। पूर्व सांसद खुर्शीद अहमद के बड़े बेटे का नाम आफताब अहमद है, जो हाल ही में नूह के विधायक हैं और इससे पहले भी वर्ष 2009 में पूर्व परिवहन मंत्री रह चुके हैं, तथा छोटे बेटे का नाम मेहताब अहमद है, जो एडवोकेट है, जबकि सबसे छोटे का नाम अंजुम अहमद रखा गया, जो कि हरियाणा और पंजाब के उच्च न्यायालय में वकील हैं। इसके अलावा एक बेटी है जिसका नाम रुखसाना रखा गया। चौधरी खुर्शीद अहमद 5 बार विधायक व 1 बार हरियाणा फरीदाबाद से सांसद भी रह चुके हैं।